दोस्तों, क्या हम अपने बैंक पासबुक को पासपोर्ट अप्लाई करते समय एज ए एड्रेस प्रूफ के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम अपने बैंक खाते का जो पासबुक है इसको पते के प्रमाण के तौर पे पुलिस वेरिफिकेशन के समय या फिर पासपोर्ट के अपॉइंटमेंट के समय हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या कुछ इशू तो नहीं होगा? कौन सा बैंक सही रहेगा, प्राइवेट बैंक सही रहेगा या फिर सरकारी बैंक सही रहेगा? अगर हम अपने पासबुक का इस्तेमाल करते हैं तो कौन कौन से चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ सकता है और हमें पासबुक के अंदर कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए, पासबुक कितना पुराना होना चाहिए, बैंक अकाउंट कहाँ का होना चाहिए, करेंट अकाउंट सही रहेगा, सेविंग्स अकाउंट सही रहेगा, ऐसे दोस्तों बहुत सारे सवाल मुझे देखने को मिलते हैं, स्पेशली वैसे लोगों से जो कि पहली बार ही फर्स्ट टाइम पासपोर्ट अप्लाई करने जा रहे हैं और जिन्हें कोई भी आइडिया नहीं है इस बारे में। ठीक है, तो गाइज आज के इस वीडियो में ना आपका सारा कन्फ्यूज दूर हो जाएगा। और जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, मैं अलग अलग बैंकों के लगभग चार यहां पे पासबुक लेकर बैठा हूं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं कि पासपोर्ट बनवाते समय आप अपने बैंक के पासबुक को किस तरीके से आप स्मार्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये कहां कहां और किस किस रूप में काम आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला कि जो सवाल है कि क्या अपने बैंक पासबुक को हम एज अ एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल, आप अपने बैंक पासबुक को आपको अपने एड्रेस प्रूफ पे दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो जो बैंक का पासबुक है गाइस, ये आपकी पहचान को सुनिश्चित करता है। इसके अंदर आपका नाम, आपका फादर मदर नेम होता है, साथ ही साथ आपका डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपका एड्रेस, जो कि आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए थे अपने न्यू अकाउंट को ओपन करते समय, तो सेम उसी एड्रेस को यहाँ पे आपका एड्रेस के तौर पे भी मेंशन रहता है। तो ये बिल्कुल सही है कि आप अपने बैंक पासबुक को आप पते के प्रमाण के तौर पे पासपोर्ट एप्लीकेशन में आप लगा सकते हैं। अब गाइस, दूसरा यहाँ पे सवाल आता है कि क्या हम प्राइवेट बैंक को लगा सकते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे पास एक प्राइवेट बैंक का यहाँ पे पासबुक आप देख सकते हैं, फेडरल बैंक का। ठीक है, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि भारत में जितने भी बैंक हैं, आइदर वो गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, पेमेंट बैंक हो, ये सभी गवर्नमेंट के लाइसेंस पे ही चलते हैं और इन सभी को जो मॉनिटर करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट का सेचुरेटी बॉडी है, वो इसको गवर्न करता है। तो ऐसे में बिना भारत सरकार की इजाज़त के कोई भी बैंक नहीं चला सकता है। ऐसे में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों बैंकों को जो है मॉनिटर करती है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं रह जाता है प्राइवेट और सरकारी बैंक में। दोनों बिल्कुल सेम आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, दोनों बिल्कुल सेम भारत सरकार के जो भी टर्म्स और कंडीशंस होते हैं उन सभी को फॉलो करते हैं। तो आपके माइंड में ये बात नहीं आनी चाहिए कि ये गवर्नमेंट बैंक है तो ये ज़्यादा यूजफुल होगा, ये प्राइवेट बैंक है तो इसका यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। भारत सरकार सभी बैंकों को प्रॉपर ट्रीट करती है, प्रॉपर इक्वली ट्रीट करती है यहाँ पे। तो दूसरा जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, ये आप दूर कर लो कि भले बैंक सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, आप उसको एज एड्रेस प्रूफ पे लगा सकते हैं। अब गाइज यहाँ पे तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप लगाने के लिए पासपोर्ट एप्लीकेशन में अपने पासबुक को लगाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ये आप प्रॉपर समझना, ये नहीं कि पासबुक है हाथ में तो लगा दिए, नहीं, इसके पीछे भी कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं। तो सबसे पहला जो है गाइस वो ये है कि आपके पासबुक के ऊपर आपका फोटोग्राफ होना मस्ट है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पासबुक पे आज तक उन्होंने फोटो लगाया ही नहीं, ना ही उसके ऊपर जो है स्टम्पिंग करवाई है बैंक के ब्रांच से। तो गाइस ऐसे सभी पासबुक जिनके ऊपर ग्राहक का फोटो नहीं है और उसके ऊपर मुहर नहीं लगी है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे हाथ में ये है मेरा सेंट्रल बैंक का पासबुक। सेंट्रल बैंक नो डाउट एक गवर्नमेंट बैंक है। ठीक है, और सभी बैंक पासबुक का जो पहला पेज होता है, ठीक है, यहाँ पे आपके सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए रहते हैं, जैसे कि मैं अपना देख पा रहा हूँ, यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गाइस अकाउंट होल्डर का पैन नंबर है, उसके बाद मेरा अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड है, और उसके बाद मेरा पूरा एड्रेस है। ठीक है, और मैंने इसे अपडेट भी करवा रखे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे फ्रंट में मेरा फोटो यहाँ पे नहीं है। हालांकि स्टाम्पिंग तो है, यहाँ पे बैंक के मुहर लगे हैं, लेकिन मेरा फोटो नहीं है। तो इससे ये पहचान सुनिश्चित नहीं होता कि अगर मेरा नाम
जैसे कि मेरा नाम अजय देवगन है फॉर एग्जाम्पल, तो ये इसी अजय देवगन का है, किसी और अजय देवगन का भी तो हो सकता था, एक नाम से तो बहुत सारे बंदे होते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरा फोटो रहता तो इससे प्रॉपर ये सुनिश्चित हो पाता कि ये इसी अजय देवगन का है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो उसी तरीके से दोस्तों मेक श्योर कि आपके पासबुक के ऊपर आपका फोटो होना चाहिए, और फोटो के ऊपर मुहर कुछ इस तरीके से लगा होना चाहिए कि हाफ जो मुहर है वो आपके फोटो पे हो और हाफ उसके नीचे जो पेज है वो दोनों को कवर करें। केवल फोटो पे रहेगा तो वो उसको फेक समझेंगे, सोचेंगे कि ऊपर से चिपका दिया है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं जिसका लाभ उठाने के लिए जब अपना पासबुक देते हो तो आपका फोटो होना बहुत जरूरी है। तो सिमिलरली पासपोर्ट में भी आप अपना पासबुक लगा रहे हो एड्रेस प्रूफ के तौर पे, तो यहाँ पे आपका फोटो होना जरूरी है। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया फोटो का। उसके बाद गाइस आपका जो भी एड्रेस है ये प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए विद एरिया पिन कोड। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपके पासबुक पे जो आपका एड्रेस है उसमें पिन कोड मस्ट है। नॉर्मली सभी में पिन कोड रहते ही हैं, तो कोई भी यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर जो तीसरा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका जो पासबुक है वो लेटेस्ट अपडेटेड होना चाहिए 3 महीने के अंदर अंदर। अगर वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी फिलहाल मई का महीना चल रहा है, तो कम से कम इसे जो है मार्च या अप्रैल तक या फिर फरवरी तक जो है मैंने इसे अपडेट करवा रखा है। ऐसा नहीं हो कि मैंने इसे लास्ट अपडेट करवाया था 2018 में, 19 में, 20 में, और कोविड के बाद मैं ब्रांच गया ही नहीं और मैंने अपना पासबुक अपडेट नहीं करवाया। तो ऐसे में इसके चांसेस होते हैं कि क्या पता ये जो अकाउंट है ये इनऑपरेटिव हो गया हो, क्या ये अकाउंट है ये परमानेंटली जो है डिसेबल्ड हो गया हो, या फिर ये अकाउंट ही क्लोज हो गया हो, क्योंकि पासबुक तो हमारे हाथ में है लेकिन इसका जो अकाउंट है ये मैं ऑपरेट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बैंक रिकॉर्ड में ये है नहीं है। तो इस बात की जांच करने के लिए वो ये चेक करते हैं कि आपका पासबुक जो है लेटेस्ट कम से कम 3 महीने पहले तक अपडेट होना बेहद जरूरी है। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ जो है ये अकाउंट जो है अभी रनिंग में है, चल रहा है और इसमें प्रॉपर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और बैंक रिकॉर्ड में इस इंडिविजुअल के सारे डिटेल्स हैं, ताकि हम बाद में जब वेरीफाई करें तो वहां से वेरीफाई हो जाए। तो मेक श्योर कि आपका जो पासबुक है वो लेटेस्ट अपडेट होना चाहिए 3 महीने तक। आपका 5 महीना 6 महीना तक भी चलेगा लेकिन 1 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखना कि आपका जो अकाउंट है ये बिल्कुल जो है लेटेस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने कल अकाउंट ओपन करवाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पासबुक पे अकाउंट ओपनिंग का डेट भी होता है। तो आपने कल अकाउंट ओपन करवाया, आज आपको पासबुक मिला और आप कल चले गए पासपोर्ट अप्लाई करने, तो वो कहीं ना कहीं ये सस्पिशियस लगेगा। वो ये सोचेंगे कि इसका पर्पस जो है बैंक अकाउंट ओपन करवाने का सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट अप्लाई करना ही था। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। आप अपना कम से कम पुराने पासबुक को आप अटैच करें, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल लेटेस्ट और नया पासबुक रहेगा। तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट के समय जो उन्हें डाउट होता है वो इसे रिजेक्ट कर देंगे, मना भी कर देंगे, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है उनके कन्विंसिंग पावर पे कि आपने कैसा कन्विंस किया है। ठीक है, तो आपका पासबुक जो है कम से कम 2 महीने 3 महीने इस तरीके से पुराना होना चाहिए, तभी जो है आप बहुत ही आसानी से आप एज एड्रेस प्रूफ के तौर पर अपने पासपोर्ट ये अप्लीकेशन के अंदर अपने पासबुक को लगा सकते हैं। आप अपना एज अ करेंट प्रूफ, अपना करेंट एड्रेस के फॉर्म में भी आप इस पासबुक को लगा सकते हैं, ताकि आप अपने करेंट एड्रेस पे इस पासबुक के बिहाफ पे पुलिस वेरिफिकेशन करवा पाओ और आप अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड करवा के अपना पासपोर्ट बनवा पाओ। तो गाइस आई होप कि इस वीडियो से आप पासबुक को लेकर पासपोर्ट एप्लीकेशन के मैटर में आपका जो भी कन्फ्यूज़न था ये पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अगर आपके मन में कुछ और सवाल है, कुछ और कन्फ्यूज़न है, या फिर कुछ आप कोई और प्रॉब्लम फेस करने लग रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर अपना कमेंट कर देना। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने में, और अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन रहा तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा ताकि आपको पूरा पूरा हेल्प मिल पाए। सो गाइस, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सको। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जय हिंद।